नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। पहले तो इसके जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, इन सारे लोगों को पहले तो मैं अपनी ओर से बेलो जी को, नितेश जी को बधाई हम देना चाहूँगा कि एक तो ये लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। और विशेष जो बातें हैं, हम जहाँ से आते हैं, जहाँ मेरा घर है, तो लगा कि अधिकांश हिस्सा इस शूटिंग में उन क्षेत्रों को लोगों ने दिखाया है जहाँ हम लोग बचपन के दिनों में खेला करते थे, जहाँ हम लोग पढ़े लिखे जिस क्षेत्र में। और उसके साथ साथ जो देश का सबसे बड़ा जो फिल्म सिटी है साउथ में, रामोजी फिल्म सिटी, वहाँ का भी कुछ सीन है। और फिर ये नए लड़के लोग सारे लगे हुए हैं, शहर के लड़के लोग लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बार इन लोगों ने आवाज़ दिया, हम मुंबई आए हुए थे तो लगा कर के चले थोड़ा लड़का लोग मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ा हम देखें। और देखे तो लगा कि सचमुच में कहीं से भी कोई कम दिखता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि लोग इसको देखेंगे और इसकी लोग प्रशंसा में काफ़ी लोग गीत गाएंगे। देख करके लगा इसके शॉर्ट सीन ही हमने देखा लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसका नाम भी लोगों ने बहुत अच्छा रखा है, लव एक्सप्रेस, क्योंकि अब तो प्यार की कमी हो रही है यार, इसमें लोगों ने लव एक्सप्रेस रखा है तो लगता है कि प्यार और बढ़ेगा। सर, फिल्म में जो लीड एक्टर हैं, फिल्म में जो लीड एक्टर हैं वो असल जिंदगी में कॉप है, पुलिस वाले हैं वो, उन्हें लखनऊ का सिंघम भी कहते हैं, आनंद जी जिनका नाम है, आनंद ओझा जी, एक पुलिस अफसर अब कैमरे पर लव एक्सप्रेस लेके आ रहा है, आपको कैसा लगा ये? अच्छा है ना, इसलिए तो मैंने कहा अब लव की जो कम हो रही है, प्यार ही लोग कमी आ रहा है। अब इसमें लव एक्सप्रेस है वो चले ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। और उसमें भी वो आ रहे हैं जब पुलिस में लोग होते हैं सामान्यतः, उनसे लव की लोग उम्मीद नहीं करते, उन लोगों से लोग उम्मीद करते हैं ये तो अरे कहाँ प्यार व्यार की बात जानते हैं, ये लोग तो लाठी की बात जानते हैं। अगर वो लोग इस प्रकार की फिल्म में रोल करते हैं, काम करते हैं, तो समाज के लिए वो एक अच्छे प्रेरक बनते हैं। और मुझे लगता है कि हमने कहा कि इसको बहुत तो प्रशंसा मिलेगी इस पिक्चर को, लोग देखेंगे भी। सर, आपने कहा कि झारखंड में आपने वो लोकेशन देखे जहां बचपन में खेलते थे, वो यादें ताज़ा हो गई, लेकिन आजकल माहौल बहुत अच्छा नहीं है शूट करने के लिहाज से भी, मेकर्स के लिए वो मुंबई शूट करना प्रेफर करते हैं, गुजरात एक बार शूट करते हैं, लेकिन झारखंड में बहुत शूट करना नहीं चाहते, ऐसे क्यों हालात हैं सर? नहीं, उसका कहीं एक तो नया राज्य है और थोड़ी सी कोई भी कहीं कोई नया काम होता है ना तो उसके एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा सा अलग टाइप के लोग देखते हैं। और जब बार बार लोग शूट करते रहेंगे जैसे ये लोग शूट किए हैं तो फिर लोग देखेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से फिर फ्रेंडली हो जाएंगे लोग, वहाँ के लोग भी हो जाएंगे और बाकी चीज़ें भी हो जाएगी अपने आप, फिर लोग उसको विरोध नहीं करेंगे बल्कि लोग फिर बुलाएंगे भी। और फिर लोगों को भी लगा गया कि हम बार बार जाएँ, वहाँ के लोगों का जो प्यार मिलने लगेगा तो लोग जाएँगे, और उसके जो भी परेशानियां हो सब लोग मिलजुल करके उसको दूर भी करेंगे। सर, जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से जो मदद, जो सहायता, मदद मुहैया कराई जानी चाहिए मेकर्स को, वो शायद अवेलेबल नहीं कराई जा सक रही है, उसमें भी कमियां नज़र आ रही हैं, कई लोगों के ऐसी भी शिकायतें हैं, आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये कहूँगा कि सरकार ने इस वर्ष जरूर शुरू की है लेकिन थोड़ी सी कमी है शायद उसमें से, जो भी लोग बनाए तो बड़े बड़े पिक्चर या प्रोड्यूसर है उन लोगों को तो लाभ मिलता है, जो लोग कुछ लोग हमसे जो लोग मिले थे बोला कि जो नया है, नए लोग जो इस दुनिया में प्रवेश करना चाहते उसके लिए थोड़ा सा लेना थोड़ा सा कठिन हो गया सहयोग लेना। तो हम समझते हैं कि जैसे कुछ भी शुरुआत होती है और फिर उसके बाद कठिनाई समझ में आती है तो हम लोग भी ये सरकार से आग्रह करेंगे कि वो उसको थोड़ा सा सरल करे, और ख़ास करके जो झारखंड के जो नौजवान हैं जो इस क्षेत्र में जो कदम आगे बढ़ा रहे
तो उनको हमें प्रेरित करना चाहिए, उसको हमें पुरस्कृत करना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट देनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग भी खुद पहल करेंगे। सर कहा तो ये भी जाता है कि झारखंड में जो सब्सिडी मिलती है वो शक्ल देख के दी जाती है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि क्योंकि शुरू शुरू में बना है तो जो बड़े फिल्म उद्योग के लोग जो जुड़े हुए हैं, बड़े हीरो है, जो नाम गाम है, तो स्वाभाविक है उनको आसान होता है। तो उस मापदंड को थोड़ा सा सरल करेंगे तो नए जो जनरेशन आ रहे हैं और ख़ास करके जो झारखंड के नौजवान जो इस क्षेत्र में जो कदम रख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए जब बन जाएगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई उन लोगों को कैसे सपोर्ट मिले ताकि लोग आगे बढ़ सके, घबरा हुए नहीं। तो हमें लगता है कि फिर हो जाएगी, सरल हो जाएगी और हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, वही कह रहे हैं ना, क्षेत्रीय कलाकार ही तभी बढ़ते हैं जब वहाँ लोगों को मिलने लगता है सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से। बहुत काफ़ी अच्छा लगा है और ख़ास करके हमारे यहाँ के जो नितेश सिन्हा जी हैं काफ़ी परिश्रमी हैं और हम लोग की शुभकामना है ये पिक्चर खूब चलेगी। और क्या आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर और कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? आप जितने भी अभी मीडिया भाई लोग आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अभी पिक्चर दिखाने के लिए अपने शहर के रिनाउंड मिस्टर बाबूलाल जी और अपने भैया सुरेश साहू जी को बुलाया हूँ और ये आ गए, ये भी बड़ी बात है, बॉम्बे में आ गए और पिक्चर देखकर काफ़ी इन्होंने प्रशंसा भी की है। तो अभी देखते हैं तो कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है ये प्रोजेक्ट आपके लिए आगे चल के भविष्य में कितना सर? भोजपुरी में तो पहले ये जर्नी स्टोरी बनी है और मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला और पिक्चर उस लेवल की मैं बनाया भी हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगी। अंजना सिंह आपकी फिल्म में हीरोइन है जी और आनंद उसमें हीरो है जी जी, ये जोड़ी उससे पहले भी नजर आ चुकी है और कुछ खास कहना चाहते हैं इस जोड़ी के बारे में? इसके पहले तो ये साथ में नजर नहीं आया जी। काजल के साथ, काजल के साथ। हाँ हाँ, वो हीरोगिरी किए था। हाँ, तो ये नई पेयर होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको जी जी जी। इस जोड़ी से कितनी उम्मीदें हैं आपको बेसिकली? देखिए, एज ए निर्माता मैं जो फिल्म बनाया हूँ तो उम्मीदें तो होती ही है, इसलिए मैंने अपने एक्टर को अपने चॉइस से रखा, अपने एक्टर्स को रखा और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। उस लेबल का मैंने काम भी करवाया है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है तो उम्मीद अच्छी है। बहुत सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है भोजपुरी के, लेकिन कोई इतना बड़ा राजनेता या फिर बाबूलाल मरांडी साहब जैसे लोग आते नहीं है नजर, पहली बार शायद कुछ ऐसा हुआ जो मैं देख रहा हूँ फिल्म के लिए आए हैं। तो आपको लगता है इनका आशीर्वाद या इनका जो समर्थन या साथ जो इन्होंने दिया वो बड़ा साबित होगा आप लोगों के लिए मददगार? ये बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए मैंने इन्हें स्पेशल बुलाया है पिक्चर दिखाने के लिए ताकि झारखंड में भी जितने भी अपने क्षेत्र के नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, जितने भी अभी डेवलपिंग वर्क में सिंगर हैं, उन लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा। सर अब जाकर अपना ये देंगे कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं बॉम्बे में। बाबूलाल जी, आपको भोजपुरी आती है? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ बाकी बातें मैं समझ जाता हूँ। आप अपने लैंग्वेज में वहाँ के दर्शकों को कहेंगे सिनेमा देखने के लिए आग्रह करेंगे? नहीं, जरूर जरूर मैं कहूँगा कि मेहनत करो, देखो कि कैसे लड़के लोग काम किया है, कैसे मेहनत किया है। अगर अगर आपको ऑफर मिलेगा बॉलीवुड या भोजपुरी से तो क्या करना चाहेंगे, कोई रोल? हम लोग तो रोज ही ये क्या कहते हैं, रोज ही हम लोग रोल करते हैं, रोज ही हम लोग रियल लाइफ में लोग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लोग। मुंबई में जितने राजनेता हैं लगभग किसी न किसी सिनेमा में नजर आ चुके हैं। अब जब ये लड़का लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कभी न कभी दिखाई पड़ेंगे। भोजपुरी के किसी हीरो को पर्सनली आप जानते हैं नाम से? नहीं, जानने का तो क्या, काफी लोगों से हमारा ऐसे ही परिचय भी है, लेकिन सब चलते रहते।